तो गाइस दुनिया की पहली ऐसी फिल्म का ट्रेलर हम सबके बीच आ चुका है जो बात करेगी टेररिज्म बिजनेस के बारे में या कहे उन लोगों के बारे में जो प्रोपेगेंडा वायलेंस को जन्म देते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सेक्टर बालाकोट का ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है। फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये तो जाहिर हो गया है कि फिल्म की स्टोरी टॉप क्लास होगी और बहुत सारी टेररिज्म रिलेटेड इनसाइट्स हमें जानने को मिलेंगे कि किस प्रकार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, बिजनेस टेररिज्म क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ वॉर क्या है। फिल्म क्यू कैफे फिल्म स्टूडियो के बैनर तले बनेगी। फिल्म 17 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली है और फिल्म को डायरेक्ट करेंगे हितेश क्रिस्टी और फिल्म की लीड कास्ट में अश्मित पटेल, पुनीति सर, शशांक प्रजापति, जीनल पांड्या और जितेंद्र तेहरान रहेंगे। ट्रेलर की शुरुआत एक आतंकवादी के इंटरोगेशन से होती है। एनआईए ऑफिसर उससे उगलवाना चाहते हैं कि भारत में इंडिपेंडेंस डे पर क्या होने वाला है और कब होने वाला है। इसके बाद स्टोरी पूरी रिवॉल्व करती है उस आतंकवादी के इंटरोगेशन में। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ऑफिसर्स कासिम यानी कैप्चर्ड आतंकवादी को छुड़वाना चाहते हैं। यह फिल्म दुनिया की पहली फिल्म होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि वॉर्स में कितना खर्चा होता है, इसका बजट कहां से आता है और इंटेलिजेंस पर सरकार का कितना दबाव होता है कि वो आतंकवादी से ठीक तरह से इंटरोगेट भी नहीं कर सकते। यह फिल्म रियल वॉर के पीछे चलने वाली कहानी को बखूबी दिखाएगी और बताएगी ऐसे फैक्टर्स के बारे में जिस कारण देश में वॉर जैसा माहौल हो जाता है। फिल्म का मेन कैरेक्टर है गन माफिया जो वॉर लॉर्ड है और वह वॉर को पूरी दुनिया में प्रमोट करता है एज अ बिजनेस। फिल्म में वॉर रिलेटेड एंड उसके पीछे बिजनेस के कई सारे फैक्ट जानने को मिलेंगे। जैसे ट्रेलर में बताया गया कि पूरी दुनिया लगभग $1.7 trillion वॉर के डेवलपमेंट में खर्च करती है। वॉर्स में आज तक 100 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा गन्स मौजूद है। 85 कंट्रीज में यूएसए की मिलिट्री ऑपरेशंस वर्क करते हैं। फिल्म में ऐसे ही कई सारे फैक्ट, सस्पेंस एंड एक्शन से भरी हुई है। इसके चलते फिल्म काफी एक्साइटिंग और स्पेशल हो सकती है। आप लोग इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बॉलीवुड रिलेटेड नई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।